Hey guys, welcome back to our another video. So guys, basically आज हम बात करते हैं कि मेरी Infosys में 3.2 year का experience होने के बाद कितनी सैलरी थी। अभी तो फिलहाल मैं Accenture में join कर लिया हूँ, बट Infosys में मेरी सैलरी कितनी थी, चलो आज डिस्कस करते हैं उसी बात पे। सो गाइस, बेसिकली कोई शेयर नहीं करता सैलरी कितनी है, कितनी हो रही है, बट मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भी क्वेरी इतनी थी जब मैं एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया था कि भाई मेरी भी सैलरी 3.2 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद कितनी होगी। तो मुझे भी लगता था कि यार कोई वीडियो नहीं मिल रही, बट इसीलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ना ये वीडियो होना जरूरी है कि आपकी 3.2 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए, 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए, तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट कितना होगा अगर आप एक ही कंपनी में होते हो। तो बेसिकली गाइस, जब मैंने जब मेरा इनफीमा हुआ था तो मेरा जो पैकेज था वो 3.25 का पैकेज था, जो बोलते CTC बोलते हैं, टोटल 3.25 का था। जैसे ही मैं मैसूर में गया था तो मैसूर में पहले ट्रेनिंग होती है, तो मैसूर में मेरी जो सैलरी थी उन्होंने इन हैंड जो सैलरी आती थी वो मेरी सैलरी आती थी 16,180 के समथिंग, लाइक इन बिटवीन आती थी। बेसिकली सैलरी तो कुछ ज़्यादा थी, बट वो होता क्या था, वो रूम का जो वहाँ पे रूम मिलता है आपको उसका भी कुछ चार्जेस वो काटते हैं, कुछ 3500 के समथिंग वो कुछ चार्जेस काटते हैं। उसके बाद आपका PF में भी कटता था, कुछ टैक्स भी होता था, प्रोफेशनल टैक्स एंड कुछ इनका जो चैरिटी वगैरह में देते हैं उसका 250 rupees समथिंग काटते थे। तो इन हैंड सैलरी हमें मिलती थी ट्रेनिंग टाइम पे 16,180 समथिंग, ये Infosys की ट्रेनिंग टाइम पे सैलरी थी। फिर उसके बाद जैसे आप इनफी में आ जाओगे तो आपका जो घर का जो वो चार्जेस काटते थे, आपको रहने का जो चार्जेस काटते थे वो काटना बंद कर देते हैं। उसके बाद जो सैलरी आपकी होती है वो आपको 22 के समथिंग मिलती है, 22,800 समथिंग, 22,800 हाँ राइट इतना मिलता था। बट उसमें क्या होता है, लेवल होता है, जैसे आपकी ट्रेनिंग में अगर 90%+ होता है तो आपकी सैलरी आएगी 24 से 25 के इन बिटवीन। अगर आपका 80 से अबव होता है तो आपकी जो सैलरी आएगी वो आएगी तुम्हारी 23 से 24 के इन बिटवीन। बट अगर आपका ब्लो ऑफ 80 आता है तो आपका, या फिर आपकी कोई री लग जाती है तो आपकी सैलरी आएगी 22 से 23 के इन बिटवीन, वही 22,800 समथिंग मेरी, जो मेरी आती थी। ओके, सो बेसिकली गाइस, लाइक 6 मंथ का अगर तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद आपको इनफी में 1 ईयर तक और रहना पड़ता है। लाइक 1 ईयर का बॉन्ड होता है वो आपको कंप्लीट करा होगा, कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी में एकदम से हाइक होता है। लाइक मेरी जो सैलरी थी वो आफ्टर 1.6 ईयर का जो एक्सपीरियंस लेने के बाद इनफी में मेरी हो गई थी 27,800 समथिंग। लाइक एकदम से सडन इंक्रीमेंट होता है और वो डायरेक्ट हो जाता है, कोई उसका अप्रूवल नहीं रहता, डिफॉल्ट होता है। अगर तुम चाहो तो मैनेजर से बात कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि वो लाइक मैनेजर से डिपेंड करता है, वो डिफॉल्ट होता है आपको, या 5,000 या 4,000 समथिंग आपका इंक्रीमेंट हो जाता है। तो उसके बाद लाइक 1.6 ईयर का एक्सपीरियंस के बाद मेरी सैलरी हो गई थी 27,500 या 800 समथिंग। फिर उसके बाद बट ये होता है कि जब भी आप प्रोजेक्ट में मैप हो जाते हो तो आपको अलाउंसेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं प्रोजेक्ट में मैप हो गया था तो मेरे को नाइट शिफ्ट अलाउंसेस या फिर आफ्टरनून या मॉर्निंग शिफ्ट अलाउंसेस मिल जाते थे। जैसे वहाँ पे वो होता है शिफ्ट का टाइमिंग, शिफ्ट का वो होते हैं चार्जेस होते हैं कि लाइक अगर मॉर्निंग करते हो तो शायद आपका 250 आता है इनफी में, और आफ्टरनून का भी 250 आता है, बट नाइट का 400 आता है। तो मैं मोस्टली 1-2 महीने तो मैंने आफ्टरनून किया था, बट मैं नाइट ही करता था, तो मुझे 400 समथिंग आता था पर डे के अकॉर्डिंग। लाइक 22 दिन हो गए तो मेरा हो गया वो 8,800 rupees, ये मतलब एक्सक्लूड करके आता था। लाइक 27,800 तो सैलरी है ही है, उसके बाद 8,800 अलग से आएगा, तो टोटल सैलरी आपकी ये बन के आती थी। तो फिर उसके बाद गाइस लाइक कोविड आ गया था, तो कोविड पे उन्होंने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया था, 2020 की बात है। फिर 2020 के बाद उन्होंने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया था, फिर मेरे कंप्लीट हो गए थे 2 ईयर इनफी में। तो उसके बाद मेरा थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ था, कुछ 1500 या 1600 रुपये इंक्रीज हुए थे, तो वही 29,000 कुछ मेरी सैलरी हो गई, 29,500 या 600 समथिंग इतनी सैलरी हुई थी जब मेरा 2 ईयर कंप्लीट हो गया था इनफी में। तो इतनी सैलरी लेने के बाद और बाकी का आपको वो अलाउंसेस मिल रहे हैं शिफ्ट अलाउंसेस ये। फिर उसके बाद जैसे 2020 में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था क्योंकि कोविड आ गया था, तो उन्होंने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया था। 21 जैसे ही आया तो फिर उन्होंने एक इंक्रीमेंट दिया था, क्योंकि उन्होंने 20 में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया था, तो 21 में उन्होंने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया था, वो था हमारा 3.5% इंक्रीमेंट हुआ था सैलरी का, 3.6 हाँ राइट 3.6।
तो 3.6 इंक्रीमेंट हुआ था, जो कि कुछ नहीं होता आपको पता ही है। 30 आप अगर उसका निकालोगे कैलकुलेशन तो ऐसे ही कुछ हुआ था मेरा, 30 समथिंग हुआ था, 30+ 30,500 600 समथिंग, 1,000-1,500 रुपये इंक्रीज हुआ था। उसके बाद उन्होंने जैसे लगा इनपीको के एम्प्लॉय छोड़ने वाले हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट बहुत कम दिया था, तो उन्होंने फिर दोबारा से 1-2 महीने बाद फिर दोबारा से इंक्रीमेंट किया था, वो था 5.5% का। तो टोटल उन्होंने 8% या 9 के इनबिटवीन हुआ था। तो उसके बाद जो मेरी सैलरी हो गई थी वो हो गई थी 31,800 या 32 समथिंग हो गई, टोटल 32 समथिंग हो गई थी, जो कि आपकी सैलरी थी आफ्टर 3.2 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद। मेरे इन हैंड जो मेरे हाथ में आती थी वो 32,000 आती थी। उसके बाद वो मैं नाइट शिफ्ट करता था तो उसका अलग से आता था चार्जेस, 8,000 आ रहा है, कभी 7,000 आ जाता था, तो उसको इंक्लूड करके मेरी जो टोटल सैलरी आती थी 40 समथिंग आ गई थी। बट जो इनफी एक्चुअल सैलरी देता था, सैलरी से जो रेट देता था वो 32,000 आते थे। सो गाइस आप देख सकते हो, बट मेरे को ना लगता है ना एक्सेंचर से और इनफी की सैलरी कंपेयर करूँ तो एक्सेंचर में बहुत ज्यादा मिलता है इनफी से। तो गाइस बेसिकली मैंने बता दिया कि मेरी सैलरी 3.2 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद 32,000 समथिंग हुई थी और बाकी का मेरे को नाइट शिफ्ट अलाउंसेस मिलते थे। अगर आपको एक्सेंचर के बारे में जानना है कि मेरी सैलरी कितनी हुई और वहां पर कितना मुझे परसेंटेज हाइक मिला, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको कमेंट, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं पता चल जाएगा, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।